हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने 2 यूनिट टेस्ट किए हैं और उसके मार्क्स आए हैं 70 एंड 75। तो आई विल राइट मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो उसके मार्क्स हैं 70। और जो दूसरे टेस्ट में मार्क्स हैं, सेकेंड यूनिट टेस्ट में, वो नंबर है 75। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स वी शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो कितने मार्क्स आए तीसरे में, कम से कम, मिनिमम कम से कम, सो दैट ही हैज गॉट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि जो एवरेज है वो 60 मार्क्स बन जाए। तो अपन लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, एक्सीलेट कर लेते हैं। नाउ एवरेज मार्क्स जो है वो क्या आने चाहिए, एवरेज मार्क्स शुड बी एट लीस्ट, दैट इज मतलब 60 या 60 से ज्यादा, तो साइन क्या लगेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, कि जो नंबरिंग का एवरेज है वो 60 या 60 से ज्यादा बने। दिस इज एज पर कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ एवरेज कैसे निकलती है, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स प्लस सेकेंड टेस्ट के मार्क्स प्लस थर्ड टेस्ट के मार्क्स, और कितने टेस्ट दिए टोटल, 3, तो 3 से कर देंगे आपका डिवाइड। अब 70 और 75 को ऐड कर दो, तो यू विल गेट 145 प्लस एक्स 3 × 60 180। तो 145 को आप जब शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 35। तो इसका मतलब है 35 या 35 से ज्यादा नंबर आए एवरेज, तो आप सॉरी 35 या 35 से ज्यादा नंबर आते थर्ड टेस्ट में, तब उसका एवरेज स्कोर 60 या 60 अबव जा सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वन। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, इसी कोर्स में ग्रेड ए लेना है, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो 5 एग्जाम्स होने हैं, तो उसमें जो एवरेज है वो 90 या 90 से अबव बनना चाहिए। सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94, 95। तो 97, 92, 94, 95 ये उसका स्कोर रहा है सुनीता का पहले 4 एग्जाम्स में। फाइंड मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स बताइए सुनीता मस्ट ऑब्टेन, सुनीता के आए, ताकि 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, ताकि ग्रेड ए में सॉरी कोर्स में उसे ग्रेड ए मिल जाए, कितने कम से कम नंबर आए। तो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स इन 5th एग्जाम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, जो अपन ने पहले डिस्कस किया कि जो एवरेज स्कोर है, यहाँ पे अपन लिख लेंगे जो एवरेज नंबर है वो 90 या 90 से ज्यादा आने चाहिए, तो 90 या 90 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लग गया। अब एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, मार्क्स ऐड कर देंगे किसके, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट प्लस सेकेंड टेस्ट प्लस थर्ड, इधर फर्स्ट लिख लेंगे, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट, और अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, 87,
में 92, थर्ड में 94, फोर्थ में 95, फिफ्थ में एक्स डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, तो आई एम गेटिंग 368। ये बन गया 368, और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 है। तो 450 में 368 माइनस कर देंगे तो आई एम गेटिंग 82। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है 82 या उससे ज्यादा। उसका मतलब क्या है, 82 या 82 से ज्यादा अगर नंबर आ गए तो ग्रेडिंग जो स्कोर है वो 90 या 90 से अबव हो जाएगा। अगर 82 से बढ़ गए नंबर तो उसे मिनिमम 82 नंबर लेने पड़ेंगे अगर 90 का स्कोर रखना है, और अगर 82 से ज्यादा आ गए तो फिर एवरेज 90 से क्रॉस कर जाएगी। तो ये आंसर हमने कर दिया पॉइंट। नेक्स्ट वन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के सभी पेयर्स जो लगातार हैं वो पता करें, बोथ ऑफ विच दोनों ही जो स्मॉलर देन 10, 10 से कम है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। और उनका जब आप ऐड करेंगे तो आपको 11 से ज्यादा बनना चाहिए। मतलब दोनों जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं, और जब उनका सम करेंगे दोनों नंबर्स का तो वो 11 से ज्यादा होगा। ओके चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर, और पॉजिटिव की बात की है तो मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही पिक करने हैं। तो लेट अस टेक इट एज एक्स। तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस टू। मतलब हर पॉजिटिव, हर ऑड नंबर अगले से दो मतलब ज्यादा होता है। जैसे 11 में आप 13 तो दो दो जोड़ने पड़ेंगे, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, तो जो डिफरेंस है वो 2 2 का रहता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि पहला ऑड इवन इंटी पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक्स सेलेक्ट कर लो, दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक्स प्लस टू कर लो। अगर इवन होता तो उसमें भी यही दो दो का डिफरेंस होता। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ईच इंटीजर इज लेस देन 10, हर इंटीजर की वैल्यू 10 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स है वो हमारा 10 से कम है, और जो दूसरा इंटीजर है यानी कि एक्स प्लस टू वो भी 10 से कम है। यही मतलब हो गया, पहला इंटीजर भी 10 से छोटा है और दूसरा भी इंटीजर 10 से छोटा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो सम है वो 11 से ज्यादा है। अब देखिए इक्वल टू नहीं लग रहा नीचे, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा हुआ कि मोर देन और इक्वल टू, सिंपली लिखा हुआ 11 से ज्यादा है, तो इसलिए ग्रेटर देन 11। तो सम कैसे निकलेगा, एक्स प्लस टू, ये हो गया पहला इंटीजर, ये हो गया सेकेंड इंटीजर। एक्स में एक्स जोड़ेंगे 2x, और 11 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस। तो 2x जो है वो 9 के इक्वल आ गया, 9 से बड़ा हो गया, तो 9 अपॉन 2 करेंगे, तो इट मींस x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई मेरे पास, 4.5 आ गई। तो मतलब x की जो मैं वैल्यू लेने वाला हूँ वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। अब 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 5 होगा। तो अगर मैं x को 5 ले रहा हूं तो जो दूसरा इंटीजर है वो क्या बनेगा, 2 ऐड कर देंगे यानी कि 7। तो एक पेयर तो मेरे पास बन गया 5,7। देख लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों की वैल्यू 10 से कम है और ऐड 11 से ज्यादा है, क्योंकि ऐड करके 12 बन रहा है। उसके बाद दूसरा पेयर बनाएंगे, अब एक्स की वैल्यू 7 पिक कर लो, तो फिर एक्स प्लस टू क्या होगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू 10 से कम है और ऐड करोगे 11 से ज्यादा होगा। अगर मैं तीसरा पेड़ उठा के देखूं, एक्स की वैल्यू 9, तो फिर एक्स प्लस टू कितना हो जाएगा? 11। क्या ये पेड़ उठा सकते हैं? ये पेड़ नहीं उठा सकते, क्योंकि एक्स की जो उन्होंने लिखा हुआ है कि वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, ये तो 9 है, ओके रिपोर्ट है, लेकिन ये दूसरा इंटीजर 11 चला गया, ये तो 10 से बड़ा हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था? ये 10 से छोटा, तो इसलिए ये इनवैलिड पेयर है। तो मेरा सिंपली क्या आंसर आ गया? 5.7 एंड 7.9, और यही दो पेयर हमारे बनेंगे। इसके अलावा जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले पेयर होंगे वो नहीं बनेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये तीन क्वेश्चंस 21, 22, 23 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।